अच्छा हुआ इनके साथ, ये बहुत अच्छा हुआ, ये बांग्लादेश भी इनको कान से पकड़ के घसीट रहा है, ये सही बात है। बेटा बांग्लादेश ने ना पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग का पकड़ के घंटा बजा दिया, मतलब बांग्लादेश ने रन नहीं किए, बांग्लादेश ने पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग को एक्सपोज किया, एक्सपोज समझते। तो ये क्या सोच रहे थे कि इस तरह की डेड पिच बना के मजे मजे से अपने रन करके तो बस अपनी एवरेज सेट करके बाकी सब काम ठीक हो जाएगा और बांग्लादेश को भी हम मजे मजे से आउट कर लेंगे। कैसे आज घसीटा उन्होंने, एंड पे तो लिटन दास ने एक ही ओवर में नसीम के चौका चौका छक्का और छक्का मारा ऐसा कि वो गेंद स्टेडियम से बाहर गिर गया जाके, नया गेंद लाना पड़ा। वो शाहीन अफरीदी लंगड़ा, उसकी बाल 130 से ऊपर जा ही नहीं रही, मतलब आप लोगों से बेहतर तो बांग्लादेश वाले बॉलिंग कर गए थे, कम अज कम आपके 16 पे 3 आउट कर गए थे, आप तो बांग्लादेश से पूरे दिन मार खाते रहे, उनके सिर्फ 5 आउट किए हैं। बांग्लादेश ने पाकिस्तान के बॉलरों का, और ये पाकिस्तान जो कि कल जो चौड़े होकर फिर रहे थे कि हमारे रिजवान ने और सल सकील ने जो कि 150 रन बना दिए, लेकिन आज फिर फ्लैट पिच पे बांग्लादेश बैटिंग करने आए तो सब लिटन दास और मुस्तफिजुर रहीम और इस्लाम ने इस तरह से जो कि धुलाई की ना साइंस अफरीदी और नसीम साहब की, पूरी तरह से भाई सब रगड़ कर रख दिया और पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन को। तो पाकिस्तानी मीडिया भी रो रहा है, तो क्या कह रहा है, तो पहले आप रिएक्शन वीडियो वॉच कीजिए। और आखिरी सेशन में तो विकेट भी एक ही आया, तो ये क्या सोच रहे थे कि इस तरह की डेड पिच बना के मजे मजे से अपने रन करके तो बस अपनी एवरेज सेट करके बाकी सब काम ठीक हो जाएगा और बांग्लादेश को भी हम मजे मजे से आउट कर लेंगे। कैसे आज घसीटा उन्होंने, एंड पे तो लिटन दास ने एक ही ओवर में नसीम के चौका चौका छक्का और छक्का मारा ऐसा कि वो गेंद स्टेडियम से बाहर गिर गया जाके, नया गेंद लाना पड़ा और फिर चौका। एक एक ओवर में 18-18 रन्स लिटन दास उसने जो फेंटी लगाई है इनकी, रन बॉल 50, वो तो टेस्ट मैच में टी20 और वनडे के अंदाज से खेल रहा है, बिल्कुल ये तो क्लूरस है, इनको तो कुछ है इनकी, रन बॉल 50 वो तो टेस्ट मैच में टी20 और वनडे के अंदाज से खेल रहा है, बिल्कुल ये तो क्लूरस है, इनको तो कुछ समझ नहीं आ रही कि इनके साथ हो रहा क्या है, शक्लें लटकी हुई हैं, चेहरे उदास हैं, और जो हल्की फुल्की जो मुस्कुराहट थी कल, जो चेहरे बड़े खिलखिला रहे थे जब 171 रिजवान ने किया नॉट आउट, 141 साउथ शकील ने, तो जनाब बड़ा मजा आ गया, बेहतरीन शानदार मजेदार आहा क्या ही बात है, उन्होंने इनका बुरा हाल कर दिया, बुरा हाल कर दिया मार मार के, खास करके लिटन दास ने। आखिरी देखिए कितने रन आए हैं, 117 रन सेशन में आए हैं, एक विकेट गिरा 117, और दूसरी टीमें जब नया गेंद लेती है वो आउट करती हैं, हमारी 6-7 ओवर हैं 8-10 चौके लग गए ऊपर से ही। शाहीन शाह अफरीदी उसको तो भाई साहब वो अब ऐसा शाहीन है कि जिसके पर अब कट चुके हैं, इंजर्ड है, और ना कोई लाइन ना कोई लेंथ, कोई कंसिस्टेंसी, एक जगह पे बॉलिंग ही नहीं हो रही, और पेस उसका बिल्कुल, 4 फास्ट बॉलर जो खिलाए हैं सबसे हल्का एवरेज पेस शाहीन शाह का, एक विकेट भी उसने हासिल नहीं किया, एक विकेट भी नहीं। तो ये है जनाब पेस बैटरी पाकिस्तान की, जो कि 4 फास्ट बॉलर खिलाने थे, अगलों ने उधेड़ उधाड़ के रख दिया है, एलो जी ऐ पेजे ताड़े फास्ट बॉलर, तो तीनों चारों में से सबसे जो नाकाम बॉलर है वो शाहीन, और फिर अगर नसीम की बात करें उसको तो बिल्कुल जैसे कि टी20 में फेंटी लगती है किसी बॉलर को, वैसी एक ओवर में 18-18 रन, एक ओवर में 18 चौका चौका छक्का फिर चौका, बिल्कुल क्लूलेस है, कुछ समझ नहीं आ रही पिच को लेके, जी हम ग्रीन पिच बनाएंगे, ऐसी बनाएंगे वैसी बनाएंगे, ना पिच वैसी बन सकी और ना ही फिर आप उस पिच के मुताबिक इन्होंने बॉलिंग खिलाई है। भाई पहली तो बात होती है कि आप अपनी पिच के मुताबिक टीम खिलाएं, आपको पता ही नहीं आपकी पिच क्या बनती है, आप बनाने क्या जाते हैं, बन क्या जाती है, आप तब से जब से ये मैच शुरू होने वाले हैं कि जनाब ग्रीन टॉप ऐसी बनेगी वैसी बनेगी, ये होगा वो होगा, आप देखते जाइएगा कि आपको मजा आ जाएगा इस तरह की पिच पे मैच देखते हुए, वो वाकई मजा आ गया, वो बांग्लादेश वालों को भी मजा आ गया, बेहतरीन शानदार भाई, 4 फास्ट बॉलर, ठीक है मैंने कहा कि भाई जितना ये कह रहे हैं कि हम पिच इस दफा ऐसी करेंगे वैसी करेंगे मजा आ जाएगा शानदार, तो 4 फास्ट बॉलर फिर तो ठीक है, लेकिन वो तो भाई से साबित हो गया है कि ये जो पिच है इसमें एक स्पिनर इनका कम है, ये जो मुंह से बात कर रहे थे, अब जो कैप्टन बात करेगा तो हम तो उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा मानेंगे ना कि हाँ भाई क्या हिसाब किताब है, वो जाके अक्टूबर नवंबर में स्पिनर्स को इतना पिच जो है असिस्ट नहीं करती, यहां पे अभी अगस्त है और जो इन्होंने क्लेम किया था वैसी तो नहीं है पिच बिल्कुल भी, अच्छा हुआ इनके साथ, ये बहुत अच्छा हुआ,
ये बांग्लादेश भी इनको कान से पकड़ के घसीट रहा है, ये सही बात है। और ये वो टीम है कि जो रैंकिंग में आखिरी नंबर पे फिनिश करती है हमेशा। आप सबने सुना होगा और आप सबने सुना भी है, और ये तकरीबन ये जो है वो पिटपटा चल भी रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी हमने करवानी है। ओ भाई, चैंपियंस ट्रॉफी तो बड़ी दूर की बात है, पहले आप अपनी होम सीरीज जो एक बायलैटरल सीरीज होती है वो तो कामयाब करवा लो। मतलब पाकिस्तान और बांग्लादेश का पहला टेस्ट मैच का सर तीसरा दिन हुआ है, और इस जो टेस्ट मैच की पिच बनाई गई थी ना, उसको बोला गया था कि ये ग्रीन पिच है, इस पे जी ग्रीन घास है, और ये तो जी दो दिन में टेस्ट मैच खत्म और ब्ला हो जाएगा। बेटा बांग्लादेश ने ना पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग का पकड़ के घंटा बजा दिया। मतलब बांग्लादेश ने रन नहीं किए, बांग्लादेश ने पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग को एक्सपोज किया। एक्सपोज समझते हो क्या? पकड़ के कच्ची उतार दिया, पकड़ के भाई कच्ची उतार दिया पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग की। मतलब आप अपने घर में बांग्लादेश से भी नहीं जीत पा रहे, आप अपने घर में अपनी होम कंडीशन में बांग्लादेश से नहीं जीत पा रहे। घंटा कर निकल सोनू पीली चप्पल बाहर, आप बताना मुझे। और सबसे जो हैरत की बात है ना, इस पिच पे हर बंदे ने रन किए हैं। अगर किसी ने नहीं किए तो मेरे जैम्बू ने रन नहीं किए, मेरे घंटू ने रन नहीं किए, मेरे घंटू ने रन नहीं किए इस पिच के ऊपर। या तो छोड़ो, या तो इसने तो कभी, इसने तो घंटे ने कभी जिंदगी में रन नहीं करने, इसको पुर कराओ। आप ये देखो कि पीसीबी के जो क्रिएटर है, पिच क्रिएटर है भाई, कितने कोई चवल किस्म के ये बंदे हैं, इनको पता ही नहीं कि टेस्ट क्रिकेट की पिचेस किस तरह बनाई जाती हैं। भाई टेस्ट क्रिकेट का लेवल आप लेके जाना ना, तो आप इंडिया से सीखो, आप इंग्लैंड से सीखो कि टेस्ट क्रिकेट की पिचेस किस तरह बनाई जाती हैं। यकीन करें, इंडिया में जब टेस्ट क्रिकेट होती है, कसम उठा के कह रहा हूं भाई, दिल करता है मैच देखने का, पूरा पूरा 90 ओवर हम बैठ के देखते हैं। पाकिस्तान में तो भाई मैंने गिन के 15 ओवर भी नहीं देखे होंगे, बोरियत हो रही है। वो शाहीन अफरीदी लंगड़ा, उसकी बाल 130 से ऊपर जा ही नहीं रही। मतलब आप लोगों से बेहतर तो बांग्लादेश वाले बॉलिंग कर गए थे, कम अज कम आपके 16 पे 3 आउट कर गए थे। आप तो बांग्लादेश से पूरे दिन मार खाते रहे, उनके सिर्फ 5 आउट किए हैं। मतलब बांग्लादेश ने पाकिस्तान की क्रिकेट को एक्सपोज करके रख दिया है। बांग्लादेश ने पाकिस्तान मैनेजमेंट को, पाकिस्तान बॉलर्स को, पाकिस्तान कप्तान को, मतलब पूरे पाकिस्तान का पकड़ के बांग्लादेश ने घंटा बजा दिया। आप अंदाजा लगा लो, हम बांग्लादेश से हार रहे हैं, हमारी औकात ये आ चुकी है। हमारा शाहीन अफरीदी लंगड़ा अब बांग्लादेश के सामने कोई एक विकेट भी नहीं ले पा रहा, और हम कहते हैं अब जसप्रीत बुमराह से बेटर बॉलर है शाहीन अफरीदी। बेटा जसप्रीत बुमराह तो ऑस्ट्रेलिया को फाड़ डाल गया था, इंग्लैंड को फाड़ डाल गया था, तू क्या कर रहा है, मुझे इस बात का आंसर देना। और दूसरी बात, पीसीबी और शर्म कर लो थोड़ी सी, हया कर लो थोड़ी सी, पिंडी टेस्ट मैच में आप भी एक्सपोज हो गए हो। इस बात के चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बात करें भाई सब जबरदस्त बैटिंग की, भाई सब लेटन डास और मुस्तफिजी रहीम ने जिस प्रकार से भाई सब साइंस अफरीदी की भाई सब धुलाई की ना, भाई सब पूरी तरह से रगड़ कर दिया, और नंबर वन बॉलिंग की पूरी तरह से जो कि वाट लगा दी। और जिस प्रकार से जो कि साइंस अफरीदी 150 की स्पीड भी 130 की स्पीड नहीं फेंक पा रहा था इस बांग्लादेश की बैटिंग लाइन के सामने, जो भी गेंद आ रही थी, और लेटन डास भी सब स्टेडियम के बाहर भी सब जिस तरह से छक्का मारा ना, भाई सब गेंद ही जो कि नहीं लानी पड़ी जिस प्रकार से यह बंदा खेल रहा था, और पूरी तरह से नंबर वन बॉलिंग की भाई सब खटिया खड़ी कर दी। और बात करें सब मुस्तफिजुर रहीम ने भी जबरदस्त बल्लेबाजी की, और जिस प्रकार से नसीम साक की भी सबसे ज़्यादा जो कि तुलाई हुई है, और रसीम जान ने जो कि 57 रन दिए हैं अपने 20 ओवर में, आप समझ सकते हो जिस प्रकार से टेस्ट मैच को T20 की तरह जो कि बांग्लादेश टीम ने जो कि खेला है। और बात करें इस्लाम ने जबरदस्त जो कि अपनी शतक से जो कि मात्र 7 रन दूर रह गए थे, लेकिन आउट हो गए थे, लेकिन जबरदस्त कमबैक किया बांग्लादेश ने। और पाकिस्तान फ्लैट पिच बना के कल चौड़ा हो रहा था कि हमारे रिजवान ने और हमारे साउथ सिकिल ने 150 रन बना दिया, लेकिन जिस प्रकार से बांग्लादेश उस फ्लैट पिच पे उतरी और बुरी तरह से एक्सपोज कर दिया पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन को, और कम बैक कर दिया बांग्लादेश ने। और पाकिस्तानी मीडिया जो कि भी सब हैरान हो उठी है कि जिस प्रकार से भी सब बांग्लादेश ने बैटिंग की है। तो आपको ये रिएक्शन वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा, चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए जो कि जय हिंद।